आपसे आज एक बड़ा ही आसान सा सवाल पूछूंगी। सवाल ये है कि अगर आपको पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती करवाने का मौका दिया जाए। मैं नहीं चाहूंगा कि इंडिया पाकिस्तान दोस्त बने। इंडिया में तो टॉयलेट्स भी पूरे नहीं है, तो उनके साथ हम कैसे दोस्ती बराबरी में होती है, वो बहुत छोटे हैं हमसे। दुश्मनी और दोस्ती बराबरी में? यस बिल्कुल, तो वो बहुत छोटे हमसे, हमारे बराबरी की नहीं है, उनसे क्या दोस्ती करनी। लेकिन उनकी करेंसी वैल्यू हमारे से बहुत अच्छी है। गजब बेइज्जती है, पीछे रह गए। बाकी इंशाल्लाह हम हर फील्ड में उनसे आगे, हमारे टॉयलेट्स पूरे, हमारी पॉवर्टी उनसे कम है और नेशनहुड हमारे में ज़्यादा है। हमें कश्मीर तो मैं बिल्कुल नहीं दूँगी। और क्या दे सकते हैं आप? प्यारी समझ गई। कुर्बानी नहीं दूंगी, लड़ लुड़ के ले लूँगी। लड़ लुड़ के दोस्त क्या देंगे आप? ये तो काम कर रहे हैं ना कुर्बानी। इंडिया तो हमारा आरआरी दुश्मन है, तो जो निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल। हे हाय हेलो नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, दिल से स्वागत है। और गाइस आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए काफी चटपटा सा, काफी इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि हम पाकिस्तान के मोस्टली लड़कियों से बात करने वाले हैं। और उसमें मतलब एक्चुअल में यंग जनरेशन से बात करने वाला है, जो वहाँ का यूथ है इस टाइम पे। और उनसे ये पूछा गया है कि भाई अगर इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती कराने के लिए उनको अपनी कोई बहुत प्यारी चीज का सेक्रीफाइस करना पड़े, तो क्या वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होंगे? मतलब वो चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती हो जाए, उसके लिए वो सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होंगे या नहीं होंगे? मतलब कि अपनी कोई प्यारी चीज का सेक्रीफाइस करना भी इजी नहीं होता है। और यहाँ तो इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती की बात है, जो कि बहुत ही मुश्किल से पॉसिबल है। आई थिंक सो पॉसिबल है ही नहीं, बट स्टिल वो लोग चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती हो जाए, तो हम अपनी ये चीज को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं। तो देखते हैं कि लोग क्या क्या सेक्रीफाइस करते हैं और क्या क्या, कौन कौन से लोग कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, दुश्मनी ही दिखाते हैं, अपनी वो नफरत ही दिखाते हैं, जो कि एज ऑलवेज वो दिखाते आए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। क्या मैं आपसे आज एक बड़ा ही आसान सा सवाल पूछूंगी? सवाल ये है कि अगर आपको पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती करवाने का मौका दिया जाए और उसके लिए आपने कुर्बानी देनी हो, अपनी किसी बहुत अजीज चीज़ की कुर्बानी देनी हो, या फिर अपनी बहुत किसी अच्छे इंटरेस्ट की कुर्बानी देनी हो, जैसे आपका इंटरेस्ट है मीडिया, फॉर सपोज आपको कहा जाए कि मीडिया छोड़ के पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, और जब तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन करके प्राइम मिनिस्टर बनोगी तो इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो जाएगी, आप करेंगी ये? जी ऑब्वियसली, अगर ऐसा मेरे ऐसे कुछ करने से अगर इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती, उनके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, ज़रूर करूँगी। और दूसरी बात यह कि अगर वो वाकई में इंटरेस्टेड है हमारे से दोस्ती और ताल्लुकात बेहतर करने में, तो हम समझते हैं कि हम सब पाकिस्तानी अपनी अना की कुर्बानी दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, मैं नहीं चाहूँगा कि इंडिया पाकिस्तान दोस्त बने। हमारा जो क्रिएशन है पाकिस्तान की, वो टू नेशन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, वो टोटली डिफरेंट नेशन है, हम उनसे डिफरेंट है। और दूसरा, इंडिया में तो टॉयलेट्स भी पूरे नहीं है, तो उनके साथ हम कैसे दोस्ती बराबरी में होती है, वो बहुत छोटे हैं हमसे। दुश्मनी और दोस्ती बराबरी में? यस बिल्कुल, वो बहुत छोटे हमसे, हमारे बराबरी की नहीं है, उनसे क्या दोस्ती करनी। लेकिन उनकी करेंसी वैल्यू हमारे से बहुत अच्छी। वो हमारे जो मीर जाफर थे कुछ ज़्यादा है, नवाज शरीफ जैसे, जरदारी और फजल रहमान जैसे, उनमें कम करप्शन की वजह से हम पीछे रह गए। बाकी इंशाल्लाह हम हर फील्ड में उनसे आगे, हमारे टॉयलेट्स पूरे, हमारी पॉवर्टी उनसे कम है, और नेशनहुड हमारे में ज़्यादा है, हमें टॉलरेंस उनसे ज़्यादा है, हम दूसरी माइनॉरिटीज़ को टॉलरेट करते हैं। पूरा पाकिस्तान मर गया, जो कुर्बानी में हम ही दें, एक हमें ही लूटा जा रहा है, हम ही टैक्सेस दें, सब कुछ हम दें, अब कुर्बानी भी हम दें, तो कोई कुर्बानी नहीं देगी? नहीं, पक्का है? नहीं, आई थिंक वैसे ही बात कर लेंगे प्यार से, कुर्बानी से देनी है उन इंडियन से, वो भी हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं बुशरा, नो डाउट। जो भी पॉलिटिशियंस के होते हैं ना चक्कर, इसमें कभी भी आम आवाम की आप राय को जज नहीं कर सकते हो। अगर हम इंडिया जाएंगे, क्या हमें जूता मार के बाहर निकाल देंगे, या वो यहाँ आएंगे तो हमें जूता मार के बाहर निकाल देंगे? कभी भी नहीं ऐसा होगा। यानी हम अभी भी दोस्त हैं? हम अभी भी दोस्त हैं, हमें ज़रूरत नहीं है मज़ीद दोस्त। बिल्कुल ज़रूरत है, ज़रूर हमारे पॉलिटिशियंस का ज़रूरत है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी ऐसे स्ट्रॉन्ग करें और अपने कनेक्शन अच्छे रखें। आम आवाम का इसमें कोई रद्द अमल नहीं, आम आवाम उसका कोई प्लस पॉइंट होगा। और ये जो हमारे दिमागों में इंडिया पाकिस्तान की जंग का है ना, ये भी हमारे मीडिया ने तो क्रिएट किया हुआ है सारा प्रोपेगेंडा हमारे माइंड में, वरना हम रियलिटी कुछ नहीं। हाँ रियलिटी कुछ नहीं, रियलिटी है लेकिन हाई लेवल क्रिएट की गई है। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात को मतलब फ़रोग दूंगा कि इन आपस में जो ये लड़ते हैं आपस में, जो मुसलमान और हिंदू हैं, इनको सबसे पहले तो मजहबी मतलब रवैयों की तरफ मतलब अपने मजहबी जोन से हैं, मजहबी जो उनके लड़ाई झगड़े उनको दूर करेंगे, तो इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इसके ऊपर कोशिश, कुर्बानी क्या देंगे आप? ये तो काम कर रहे हैं ना, कुर्बानी पाकिस्तान की तरफ कुर्बानी देंगे, क्योंकि इंडिया तो हमारा आरआरी दुश्मन है,
तो जो मजहबी है ये मजहबी हिसाब से भी हमारा कहते हैं अच्छे अखलाक से दुश्मन को भी दोस्त बना लिया जाता है, तो आप क्या अखलाक की या अना की कुर्बानी नहीं दे सकते? अगर वो अच्छी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हम भी उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश। अगर एक कदम आप बढ़ाएं और एक वो बढ़ा लें तो दो आप बढ़ा लें तो अना क्या हो जाएगा? तो खत्म हो जाएगी अना। खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कर लेंगे अना खत्म, इंशाल्लाह खत्म कर लेंगे। मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ा लेंगे? बढ़ा लेंगे। पक्का है सर? आज राशिद ने ऐलान कर दिया कि दोस्ती का हाथ बढ़ा लेंगे, मतलब हमारी दोस्ती हो जाएगी। हो जाएगी। अगर इन दोनों की लड़ाई खत्म होती है, अगर देने वाली हुई कुर्बानी तो दे देंगे, क्योंकि एक इनका मेजर जो इशू है वो कश्मीर ही है, तो देखें बाकी अगर मौका मिलता है तो जरूर, क्यों नहीं, कोई भी कुर्बानी दे। हाँ बिल्कुल, आपको कहा जाए आपने पूरी जिंदगी मेकअप नहीं करना, इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो जाएगी। बिल्कुल, अभी भी फिलहाल मेकअप नहीं किया हुआ, वैसे अभी भी नेचुरल है। पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती करवाने के लिए कुर्बानी क्या देनी है? मैंने अगर मेरी जात की कुर्बानी मांगे तो मैं तो जो भी कुर्बानी देनी पड़ी वो देंगे, खून बहा भी देंगे अपनी जात तक, लेकिन अगर नजायज़ है तो वो फिर नहीं। तो फिर भी क्या कुर्बानी आप देंगे? कुर्बानी मैं मन्नत ही मांग लूँगा फिर उसके लिए और क्या करना। इट्स वेरी गुड कि मैं मन्नत ही मांग लूँगा, ये भी अच्छा है, 40 दिन की मन्नत आप फिर दोबारा मांग लेंगे, कड़े छड़े पहन लेंगे। ठीक है, कश्मीर तो मैं बिल्कुल नहीं दूँगी। और क्या दे सकती हैं आप? कुर्बानी ही दूँगी, लड़ लुड़ के ले लूँगी। लड़ लुड़, दोस्ती प्यार से करनी है, मजाक रात करनी है? कुर्बानी किस तरह की, मतलब कोई भी कुर्बानी? आपको अपना ये नेकलेस उन्हें देना पड़ेगा। दे दूँगी, नया ले लूँगी। और अगर यही सोने का होता? दे दूँगी। फिर भी दे दें जी? ठीक है, यानी फाइनेंशियल कुर्बानी आप दे दें जी? ठीक हो गया। अगर कोई आपको कहे कि आपने इंडिया के एक लड़के से शादी करनी है और फिर इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो जाएगी, कर लेंगे? नहीं भाई, पाकिस्तान में ही करूँगी। ठीक हो गया। उधर क्यों देखा? नहीं सच्ची में ऐसे रैंडम देखे। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। लेकिन अगर कुर्बानी देनी पड़े तो मेरा ख्याल है कि देनी चाहिए, जो भी कुर्बानी जी सब से कोई वो चाहे मेरी ज़ात के हवाले से हो, चाहे मुझे कोई फाइनेंशियल तौर पे देनी पड़े या जो भी जिस तरह की, मतलब जो मैं समझूँ कि अगर, लेकिन फिर भी वो डिपेंड करता है कि तालीब कहते हैं दोनों हाथों से बजती है हमेशा, अगर दोनों साइड्स ये चाहती हों, क्योंकि आज तक अगर हमने देखा है कि जब से हम आज़ाद हुए हैं इंडिया ने ना कभी चाहा हमारे साथ दोस्ती करना, हमने बाज़ दफ़ा कोशिश भी की है, लेकिन उनका वो जो रवैया वहाँ पर रहते, जो उनके कंट्री में रह रहे हैं मुस्लिम, उनके साथ उनका रवैया अच्छा नहीं है, तो फिर हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हमारे साथ उनका रवैया जो ना अच्छा रहेगा? ठीक हो, तो इस तरह मुझे जो मेरे मुताबिक अगर ये स्टेप लिया जाए तो अच्छा है, उसमें हर पाकिस्तानी को जो भी करना पड़े दोस्ती के लिए, अच्छे ताल्लुकात के लिए करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई वहाँ पे बैठे हैं, उनकी कई प्रॉब्लम्स हैं जो उन्हें फेस करनी पड़ रही है वहाँ पे, अक्सरियत होते हुए भी ये नहीं है कि वहाँ पर उनकी अपने का ताली दोनों हाथों से बचती है, तो फिर जुल्म के मामले में भी ताली दोनों हाथों से बचती है? नहीं, जुल्म के अगर आप हवाले से देखें तो ना, हमने जब सेपरेशन हुई थी तब हमने स्टार्ट किया था, तब भी हमने नहीं स्टार्ट किया था किसी सूरत भी। अगर आज भी देखा जाए तो वो मुस्लिम, वो वहाँ पे उनके वोटर्स भी हैं, वो सपोर्टर्स भी हैं वहाँ के, मतलब नेशनलिटी होल्डर्स भी हैं, और तादाद में भी ये नहीं है, क्योंकि थोड़े बहुत बैठे हैं, बड़ी अक्सरियत में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके साथ जो रवैया बरता जाता है, जो दिली नफरत है ना उन लोगों में, वो खत्म होना बहुत खत्म खत्म होना बहुत जरूरी है। एक सबसे बड़ी कुर्बानी है दिली नफरत को खत्म, दिली नफरत ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी, 5 कंट्रीज़ के नेम लूँगी, किसी एक कंट्री के लड़के के साथ आपने शादी या डेट करके वहाँ की नेशनैलिटी आप हासिल कर सकती हैं, 5 कंट्रीज़ के नेम लाइक ऐसी देखें सवाल पर, कंट्रीज तो सुने, इंडिया, बांग्लादेश, USA, कनाडा या टर्की? अच्छा, डेट और शादी? डेट या फिर शादी? शादी। किससे करेंगी और किस कंट्री के लड़के से करेंगी? टर्की। टर्की क्यों? ऐसे ही पसंद है। टर्की का लड़का? दोनों दोनों यानी आपको टर्की के लड़के पसंद? नहीं, पाकिस्तान में बहुत प्यारे हैं, पर आपने उधर देख के क्यों बोलती है? नहीं, जैसे मैं पूछती हूँ प्यारे, आप उधर देखने लग जाते। प्रॉमिस रैंडम, आप क्यों फंसा रही हैं मुझे लाइव? अच्छा नहीं नहीं, लाइव नहीं फंसा रही है, ऐसा नहीं, आप टर्की के लड़के से शादी? वैसे मुझे टर्की पसंद भी, आपने ऑप्शन ही ऐसी दी है, अगर आप पाकिस्तान कहती तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान। इंडिया। इंडिया इंडिया किससे शादी करेंगे इंडिया में? इंडिया में अगर कोई अच्छी लड़की हो तो उससे शादी कर लूँगा। कौन सी अच्छी? कोई हीरोइन नहीं पसंद? नहीं, हीरोइन कोई पसंद नहीं है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी उनसे बिजनेस है इंडिया से, और इसलिए बिजनेस के लिहाज से मैं वहाँ से शादी कर लूँगा। शादी करेंगे? ठीक। डेट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। कनाडा। कनाडा वाई? कनाडा भी मेरा जाना एक पैशन था, लेकिन वो किसी वजह से पूरा नहीं हो सका। शादी करेंगे या डेट? हाँ नहीं, शादी करूँगा, कौन नहीं करेगा, नेशनलिटी मतलब मिले तो कौन नहीं करेगा। मैं तो यूके भी इसी आस पे जा रहा हूँ, कभी भी 3 साल में 4 साल में जब भी मेरा तुक्का लगा मैंने लगा शादी कर लेनी। नेशनलिटी ब्रिटिश नेशनलिटी है यार, पूरी दुनिया में आप जहाँ मर्जी हो, उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर है, मतलब उन्होंने हुकूमत की है पूरी दुनिया पे, ये सारे इनके गुलाम रहे हैं, तो ब्रिटिश नेशनलिटी हो तो क्या ही मज़ा है। मज़ा ही है, यानी आप कर लेंगे शादी? जरूर करूँगा। अगर आपको दो मौके दिए जाएँ कि USA भी कर लें, कनाडा में भी कर, तो दोनों में कर लूँगा।
नहीं छोड़नी मैंने, नहीं छोड़नी, नहीं पाकिस्तान में भी करेंगे, अब चार इजाजतें हैं ना, चार इजाजतें, चलिए आपकी तीन हो गई पूरी, एक पाकिस्तान में हो गई, एक यूएस में हो गई, कनाडा में, चौथी कहाँ करें? ना की जा, ऑन कैमरा हूँ, वहाँ पे एक एंकर बैठी हुई है सिटी 41 में, देख लेगी तो उसने जूता पकड़ लेना है, बाकी जहाँ पे मिले यहाँ पे तो करनी ही करनी है ना, एक करनी करनी हर सूरत में करनी है, क्योंकि मेरा कुछ फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का है कि मतलब हम तीनों भाई हैं, तो वाला साहब ने खुली इजाज़त दी है कि बेटा अपनी करनी है, बस ले आना, मैं देख लूंगा, और बस टर्की, बिकॉज़ आई लव टर्की, यू लव टर्की, यस। तो वहां के लड़के को डेट करेंगी या शादी करेंगी? शादी करूंगी, पक्का करना जरूरी तो नहीं है, पाकिस्तान साथ शादी करके टर्की ले जाऊंगी। नेशनैलिटी कैसे मिलेगी फिर? नेशनैलिटी बच्चों को मिल जाएगी। वेरी गुड, यानी लड़का पाकिस्तान को लेकर उसे टर्की चल जाए। हाँ, और अगर बच्चे पैदा होंगे उनको मिलेगी टर्की की नेशनलिटी, और फिर मेरे बच्चों भी आ गए थे, बच्चों की तो होगी ना नेशनलिटी। हाँ, इसे उनके थ्रू नेशनलिटी प्लानिंग। पाकिस्तान इज द बेस्ट टेस्ट कंट्री, जहाँ, लेकिन उसकी नेशनलिटी तो आपके पास पहले ही है, तो और क्या चाहिए, इंसान जहाँ रहता है उसको वही बेस्ट लगता है, वही बेस्ट। हाँ, आपको सऊदीया की, कनाडा की, टर्की की, इंडिया की नेशनलिटी नहीं चाहिए? अगर मुझे आप कहें कि एक्सेप्शनल कोई एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके अलावा आपने कौन से नाम बताएं? सऊदीया, कनाडा, इंडिया, टर्की, यूएसए इज द बेटर ऑप्शन आई थिंक। क्यों? बस अच्छा लगता है, क्योंकि आप अगर अब्रॉड कंट्रीज में नेशनलिटी हासिल कर लेते हैं तो आपकी लाल पासपोर्ट मिलता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। टर्की, बाय, क्योंकि उधर के लोगों में अट्रैक्शन है इस वजह से। तो लड़के को डेट करेंगी या शादी करेंगी? डायरेक्ट शादी, क्योंकि कनाडा। क्यों? मेरा वैसे भी प्लान बन रहा है कनाडा जाने का, मैं आइट्स कर रहा हूँ, तो कनाडा बेहतर रहेगा। तो शादी करेंगे या डेट करेंगे? शादी करेंगे, सही तरीके से। हाँ, सही। कैसे होती है? हाँ, वैसे होती है। पूरे रिवाज से। हाँ, रीति रिवाज का ध्यान रखते हुए। कनाडा में भी आपको पता होगा कि पंजाबी बहुत ज्यादा है, तो हमारा कल्चर भी पंजाबी है, तो इसलिए कनाडा में शादी कर सी ओथे जा के ब्याह करो। हाँ, ले ओथे फुल ही अपना बोल। टर्की, बाय। एक तो मुस्लिम नेशन है, और दूसरा उसकी जो मैं इंटरनेट पे टूरिज्म वगैरह देखते हूं काफी। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि वहाँ की जो यूथ है वो तैयार है कि इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती हो जाए, उसके लिए हमें जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा हम वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, मतलब कि वो चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती हो जाए। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती ऑलरेडी है, बट जितना भी अनबन है, जितनी भी दुश्मनी है, वो सिर्फ आपस में पॉलिटिशियंस में, आम जनता की आपस में, लोगों की सोशल मीडिया पे भी बात होती है, और लोग कॉन्टेक्ट में भी हैं, उनकी नॉर्मली बात भी होती रहती है हर एक दूसरे से, तो उन लोगों को ये लगता है कि आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, बट कुछ कुछ जगह पर है, जैसे कुछ पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिशियंस की वजह से तो मेरे को तो लगता नहीं कभी जिंदगी में भी कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत बहुत ही निहायती बेकार लोग हैं, तो उन लोगों की शक्ल देख के ही हमारे इंडिया वाले तो सोच भी नहीं सकते कि उनसे कभी बात, दोस्ती तो दूर की बात की, कम से कम उनसे सीधी मुंह बात भी करी जाए, क्योंकि वो लोग है ही नहीं इस लायक कि उनसे सीधी मुंह बात करनी चाहिए। सो आई होप गाइज आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, और वीडियो को शेयर भी कर देना, और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नई नई वीडियोज देखने को मिले, और उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फटाफट से हमारी वीडियोज आकर देख लो, और ऐसे ही प्यार करते रहो, ऐसे ही सपोर्ट देते रहो, और अपना ध्यान रखिए। थैंक